मैंने भाग्य से दुर्भाग्य से पढ़ी है और दुर्भाग्य तो बिल्कुल ही नहीं कहूँगा क्योंकि मैं मतलब इस किताब को पढ़ने के बाद मेरे अंदर वही उल्लास है जो मैं पहली बार जब पोर्ट्रेट ऑफ आर्टिस्ट यंग मैन पढ़ा था जेम्स जॉयस का, किसी किताब को अच्छा कहना या बुरा कहना, पर कोई किताब अच्छी है, हर आदमी की अपनी अपना तरीका होता है कहने का, सबका अपना एक्सप्रेशन होता है। लेकिन एक चीज़ जो मैं हमेशा ढूंढता हूँ किसी भी एक अच्छी किताब में कि उसमें ईमानदारी कितनी है, आप कितनी ईमानदारी के कितने करीब जा सकते हो। पीयूष भाई ने इसमें काफी लोगों की चड्डियां छोड़ दी हैं लेकिन खुद को तो पूरा ही नंगा कर दिया और उतनी हिम्मत की जरूरत पड़ती भी है कि नहीं इनको मुझे नहीं मालूम, क्योंकि इनको जितने सालों से मैं जानता हूँ ये जो यहाँ पे है वो यहाँ पे है और वही इनके कलम में है और वही उनकी आवाज में है, तो ये आदमी झूठ तो कतई नहीं बोल। और मतलब ये इनसे झूठ ऐसे हो, क्योंकि इन्होंने बहुत कोशिश की है दूसरों की, इन्होंने उपन्यास के तौर पे आत्मकथा लिखी है, अपना नाम भी बदला है और दूसरों का भी नाम बदला है, लेकिन इनसे नाम बदले नहीं जाते, नाम बदलने के बावजूद आपको बदल जाएगा किसकी बात हो रही है। तो मैं आपसे पहला सवाल ये पूछता हूँ, मैं पॉइंट में आपकी औकात क्या है कुछ नहीं कोई बात नहीं नॉर्मल है, मेरी औकात एक्चुअली ये थी कि मैं अपनी आत्मकथा लिखने की औकात नहीं थी, ना मेरे दौड़स था, ना हिम्मत थी, ना एक मिजाज था, ना मूड था, मैं अपनी आत्मकथा लिख नहीं सकता था। मैं लिखने की कोशिश करी फिर बहुत दूर लगी, तारीफ कर रखी थी, मैं इतने दर्द सहा, मैं तकलीफ सही सर सला, वो क्लीशे लग रहा था बिल्कुल। तो ये जो है फिर मैंने जो है कहा कि यार अपना नाम चेंज करते हैं और उसको उपन्यास की तरह से लिखते हैं। उपन्यास के जरिए लिखने में बहुत सारी कल्पना की उड़ान भी महसूस हुई कि जो यहाँ पर कल्पना करूँ, यहाँ पर इमेजिनेशन ली भी हूँ, तो वो करा तो वो जो है सफल हो गया। फिर लिखा तो लिखते हुए फिर लिखने में फिर मुझे प्रॉब्लम आ गई, यार कितना भी आप दूसरे का नाम चेंज कर लो, दूसरा नाम चेंज कर लो, लेकिन आपको लिखना तो वही है जो एक्चुअली जो आपकी औकात है, एक्चुअली जो आपकी औकात है वही लिखेंगे ना, तो वो जो है मैं सच से दूर नहीं रह पाया। तो इसमें सच बहुत ज्यादा है, 90% सच है, आपको पढ़ के मालूम पड़ जाएगा कि जो कुछ बात जो 10% सच नहीं है वो आपने किसी को बचाने के लिए खुद को नहीं बचाया। कई कैरेक्टर्स ऐसे हैं, कई एक महिला ऐसी हैं, कई पुरुष ऐसे हैं जो आज की तारीख में जम चुके हैं, तो उनको जो है उजागर करना गलत था, उनको गलत हो जाता है, तो उनको बचाने के लिए जो है मैं नाम चेंज की, घटनाएं चेंज करी, स्विच ओवर करी, बहुत सारी चीज़ें की, तो इसलिए जो है वो बच गए, मुझे लगता है बच गए, मुझे मालूम नहीं बच गए कि नहीं, वो पढ़ने का मालूम पड़ गई पढ़ने पढ़ना पड़ेगा कि बचे हैं कि नहीं, तो मुझे लगता है कि बच गए। तो जो है ये करके जो है आखिरी में और बहुत सारे एडिशन्स किए, मुझे लगा कि जो है कई बार प्रिया मेरी बीवी बैठी हुई है उसका जिक्र नहीं आया ढंग से, कहीं एक संगनी के कैरेक्टर है उसका जिक्र नहीं आया ढंग से, तो मैंने पढ़ने के बाद में बहुत सारे ड्राफ्ट किए इसके कि जहाँ जहाँ जो जिस चीज़ की कमी है उसको पूरा किया जाए। तो करके जो है मैंने आप किताब आपके हाथ में, आप पढ़िएगा, गालियाँ दीजिएगा या सेज के रखिएगा, जब आपकी मर्जी है। इंकलाब सत्ता बन मतलब मैं बार बार घूम फिर के पोर्ट्रेट ऑफ आर्टिस्ट पिछले आता हूँ, स्टीफन डेलस का जो कैरेक्टर रहा है जेम्स जॉयस ने जिस तरह से उसको लिखा है वो भी काफ़ी पर्सनली था, लेकिन यहाँ उसके आप ये जो किताब है एक तरह से कभी कभी पढ़ते से मुझे लगा ये आप खुद की थेरेपी भी कर रहे हो शायद। हो गई कर, मैं खाली सा हो गया करने के बाद, लिखने के बाद में खाली सा हो, लिखने के बाद में आपको पूछता है यूजली जो बुलाते हैं जिनसों में मुझे, वो पूछते हैं कि आपकी लाइफ स्टोरी क्या है, जर्नी कैसे रही, स्ट्रगल्स कैसे रहे, मैं बोलता हूँ कि किताब पढ़ लूँ साफ से बात, आप मुझे बोला नहीं जाता, मतलब जितने भी टीवी इंटरव्यूज वगैरह होते हैं बुलाते हैं आपकी आपकी लाइफ पर एक वो फीचर करना है, अगर क्या फीचर करना है सब कुछ तो लिख दिया है, मैं नंगे तरीके से पेशेंट तरीके से आपके सामने मौजूद हूँ, अब इसके बाद में क्या देखूँगा, इसके बाद में क्या बोलूँगा, इसके बाद बोलने की इच्छा नहीं होती। तो अभी जो करंट जिंदगी में पूछ लो, करंट जिंदगी में क्या पूछोगे, बैंड बजा रहा हूँ मैं, अपना बैंड के साथ ट्रेवल कर रहा हूँ, अपना नॉवल लिख चुका हूँ, उसका प्रमोशन करूँगा, थोड़ी बहुत एक्टिंग करवाएंगे तो कर लूँगा अगर करवाएंगे तो, और वरना जो है चल रही है जिंदगी वैसी चल रही है, मतलब चल रही थी। नहीं, मैं आपसे कुछ और ही पूछना चाह रहा हूँ, बिकॉज
ये मतलब जितना मैं आपको जानता हूँ अभी से नहीं हो गए हेलो बानवे से मैं जानता हूँ आपको 1992 से जब आपका जब शहर हमारा सोता है नाटक से आपने शुरुआत की थी और आज 32 साल हो गए आपको जानते हुए और मुझे लगता था मैं आपको बहुत ज़्यादा जानता हूँ लेकिन ये इतने रिक्त स्थान जो है ये किताब भरती है किताब पढ़ने वाले को मैं आपको नहीं जानता मुझे हर वो रात का फोन कॉल जब बिना किसी हेलो हाँ के मुझे कभी कभी रात को फोन आते थे और गालियाँ पड़ती थी तो मैं समझ नहीं आता था क्यों पढ़ी है किताब पढ़ के समझ में आ गया हर पे आपकी टिप्पणी हर चीज पे वो कहाँ से आती है और क्यों आती है और आप किस हद तक आप गए वो जो आपका प्रोसेस रहा है लिखने का खासतौर पे एनएसडी से पहले जब आपने भी आपको भी बोला गया जब पहली बार गाने को और जब गाने में आपको जब आपको कॉन्वेंट स्कूल से दूसरे सरकारी स्कूल में भेजा गया और क्योंकि आपने कॉन्वेंट स्कूल में काफ़ी खतरनाक कांड किया था किताब के साथ और उसके बाद जो है रैगिंग जो आप रैगिंग में बचे और आपने गाना गाया और उसके बाद आप गाते ही रहे आप गा सकते हैं वो आपकी इच्छा थी उस समय कि आपको एहसास था कि आप भी गा सकते हैं अरे गा सकते हैं खूब एहसास था यार खूब एहसास था मतलब वो तो रोक नहीं देता था मुझे मत गाओ क्या मिलेगा इससे गाने से पाठ बन जाओगे बड़ा बन जाओगे गलत बन जाओगे वो सब था वो हर बंदे की जिंदगी में मेरी अकेले की बंदे में मेरे साथ में खासियत रही कि जो भगवान ने कुदरत ने एक नियामत दी कि मैं लिख सकता मैंने लिख दिया और लोगों की जिंदगी में इतना ही घटा है जो भी स्ट्रगलर्स हैं जो भी स्ट्रगलर के आए हैं नवाज हो या मनोज हो या पंकज हो या जो भी बंदे हैं ये हिंटर ये जो है मतलब सब लोग जो है इस तरह के दौर से गुजर गया है बड़े खतरनाक दौर से गुजर गया है तो, मेरे साथ में ये प्लस पॉइंट था कि मैं लिख सकता था मैं लिख दिया बाकी लोगों के साथ में प्लस पॉइंट नहीं था उन्होंने लिखवाया किसी से या नहीं लिख पाए कई बार मैं आपको इंटरप्ट करता रहूँगा क्योंकि हाँ वो ना ये अचीवमेंट की बात नहीं करूँगा अचीवमेंट तो आपके तक जाएगा मैं उन चीज़ों की बात करना चाह रहा हूँ जो बिकॉज एक किताब ने मुझे बहुत ताकत दी पढ़ने के बाद और बहुत ताकत इसलिए दी क्योंकि किताब पढ़ने के बाद एक सबसे बड़ा एहसास जो हुआ वो ये हुआ कि कई चीज़ों में जो हम अपने आप को कमरे में समेट लेते हैं और दुनिया हमें एक तरह से देखती है और हमारा जो जब हम लोग कमज़ोर पड़ जाते हैं जब हम लोग अपने आप से लड़ रहे होते हैं हमारा अपना अंतर्द्वंद चल रहा होता है उसको हम जब छुपाते हैं और जब आप उसको नंगेपन के साथ लिख देते हो तो किताब पढ़ के मुझे ना सिर्फ बहुत ताकत मिली इस किताब को पढ़ने के बाद मुझे लगा मैं एकदम अकेला नहीं हूँ तो वो जो है मैं वहाँ आपको ले जाना चाहता हूँ आपका अचीवमेंट सबको पता है आप गाना गाने लगे तो आप फिर हारमोनियम रख देंगे यहाँ पे 6 घंटे का माहौल जम जाएगा ठीक है वो सब होता है मैं ये जानना चाहता हूँ कि वो जो आपके स्टेजेस रहे हैं तो आप अपने आप में घुस जाते थे आप हम पूरे हमेशा पूरे विश्वास के साथ सबके पास गए आपके जीवन के हर स्टेज पे शुरुआत आपकी विश्वास के साथ हुई फिर आपका विश्वास टूटा फिर आपने अपने आप को पूरी तरह से खत्म कर दिया भाग भाग के आप शराब के पास गए भाग भाग के आप पता नहीं क्या ढूंढने निकले हाँ बार बार गिरे फिर आप उठे फिर अपने आप को पाए फिर नई डिस्कवरी हुई ये जो पीयूष मिश्रा हम लोग सब जानते हैं उसके पहले तो आधी जिंदगी का स्ट्रगल निकल चुका था आप जिंदगी का हाई पॉइंट देख चुके थे वो हाई पॉइंट तो हम में से किसी ने देखा ही नहीं यहाँ पे बहुत ही कम ही लोगों ने जिन्होंने आपको उस वक्त देखा होगा उस पॉइंट पर पहुंच करके पूरी तरह से गिरना एक पॉइंट पे आ गया था जहाँ आपका पतन हो चुका था जब शायद हमारा सोता कि पहले की बात कर रहा हूँ जिसका आप जिक्र करते हैं इस किताब में कि जब आपने सब कुछ छोड़ छाड़ के दादर स्टेशन के बाहर जाके लेट गए थे और वो वक्त जब एक सिक्किया जो आपका दोस्त बना था फुटपाथ पर जो स्मैक किया था जो स्मैक लेके आया सो गया और अगले दिन सुबह आप उठा पता चला आपने रात जो है अपने दोस्त की लाश के साथ गुजारी
जो वक्त आप इसमें डिस्क्राइब करते हो उसके बाद आपका एक नया जन्म हुआ, वो नया जन्म बहुत ही वेग के साथ हुआ, मतलब बहुत ही आवेग के साथ आप वहां से उठे गए अपने मित्र के पास, आपने दिल्ली का टिकट कटाया, वापिस आए और एक्ट वन एन के शर्मा और आपने शुरुआत की, उस दौर के बारे में बात करिए। क्या बात करूंगा, मतलब आपके उस दौर के बारे में क्या बात बोल रहा, क्या बात करूंगा, करूंगा बात करूंगा, पढ़ो क्या किताब में सर, पढ़ो पढ़ो किताब, हाँ मैंने पीडीएफ पढ़ा है तो उसमें पेज नंबर कहाँ करता हूँ, क्या किसी बात कर रहा तुम, मतलब ये आपके जो आप वहाँ से पढ़िए ना, जो आप फुटपाथ पे जो आप आते वाले मतलब मैं नहीं जानना चाहूंगा उसमें इमेजिनेशन, क्योंकि वो मैं उस मौकू को मैं बिलीव करता हूँ तो उससे मुझे बहुत फीडबैक मिलती है और ताकत मिलती है। एक आदमी अपने आप को कितनी बार री इन्वेंट कर चुका है, उन्होंने एक लिबर्टी ले लिया अपने लिए कि जहाँ उनको लगता है कि यहाँ कुछ सब गड़बड़ होने जा रहा है, कहते हैं ये इमेजिनेशन नहीं, हमें पता वो इमेजिनेशन नहीं है। अनुराग भी बहुत खुश है कि यू कैन स्टिल अटेम्प्ट, आई मीन यू कैन अटेम्प्ट योर ऑटोबायोग्राफी के पढ़ने के बाद। मैं तो कभी ना लिखूं क्योंकि मैं तो बहुत सच ऐसे ही बोल देता हूं, तो मैं उसी की वजह से दिक्कत में रहता हूं। पहले से आता हूं जब ये उन्होंने ये एक चार बंगला के आसपास कहीं एक ऐसे क्वार्टर में रह रहे थे जहाँ पे पेइंग गेस्ट अलाउड नहीं थे, इलीगल पेइंग गेस्ट की तरह रह रहे थे, जहाँ पे इनको रात को 9 बजे के बाद आते थे और सुबह 9 बजे के बाद निकल जाना था। आई थिंक इनका जो मकान मालिक था इसको इतना ज़्यादा गुस्सा था कि उन्होंने इन्वर्टेड कॉमर्स में नाम लिखा है सीडी दलाल। तो एक दिन जो है ये आए और घर पे पहुंचे और बहुत ज्यादा पी ली थी उन्होंने, हाँ उसके दिल दिमाग पे तो दलका छाने लगा, वो अक्सर अपने सर को हाथ में पकड़ के बैठ जाता, दलाल आके उससे पूछ देखती वो चीख पड़ी, दलाल भी दौड़ता हुआ है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हालत में घर में आने की, विवेक कुमार उसने आवाज लगाई, उसके बाकी रूममेट्स दौड़ते हुए आए, नहीं गलत है ऐसा सब नहीं करना चाहिए संताप भाई, संताप जो इन्होंने अपना खुद का नाम रखा है इस किताब में, उसने सबको एक तरफ धकेला, अंदर घुसा, सामने क्रिकेट का बैट पड़ा था उसने उठाया और अच्छा नाक दरवाजे के ड्राइंग रूम के मूल्य पेंटिंग नीचे बिखर पड़ी, उसने फिर से बैट उठाया और फिर छनाक 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 ड्राइंग रूम का फर्श कांच के टुकड़ों से सारा बोर्ड था, कल सुबह घर छोड़ दूंगा तब तक ले रहने दो, गुर्राया और जाकर अपने बिस्तर पर पसर गया। दलाल की बिल्डिंग में पेइंग गेस्ट रखना जुर्म था, सोसाइटी का रूल था, दलाल ज्यादा चीख पुकार नहीं मचा सका, रहने दीजिए अंकल को खुद कह रहा हूँ कल छोड़ देगा, विवेक के स्वर में दयनीयता थी और अगले दिन उसने मनीष नगर छोड़ दिया। उसने विवेक से सुबह 200 रुपए लिए, मठ का बच्चा हूँ कभी ना कभी तो वापस कर दूंगा, अगर आप पिछले जानते तो आप बिलीव कर सकते कहते हैं, और वो दादर स्टेशन पे था, दादर वेस्ट में उन दिनों रहने की कमाल की व्यवस्था थी, सड़क की पटरियों पे बहुत सारे लोग लाइन से सोते थे लेकिन लग्जरी रूम पटरी से 1 फीट ऊपर फुटपाथ पर था, नीचे के 5 रुपए प्रति रात्रि के लगते थे ऊपर के 10 रुपए, ये फर्क सोच समझ कर रखा गया था, दारू पीकर चलाने वाले वाहनों की गाड़ियां 10 रुपए वालों को नहीं कुचल सकती। उसके बंबई प्रवास का दूसरा अध्याय शुरू हो चुका था, इसको बहुत ही भयानक तरीके से खत्म होना था, फुटपाथ पर बहुत से लोग सोते थे, उनमें से एक सिंकिया भी था, सिंकिया स्मैक का गुलाम था, संताप से उसकी गहरी लिप गई थी क्योंकि उसके पास एक गुदड़ी या चादर थी जो संताप के रोज काम आ जाती थी। मैं खाने के बिना रह सकता हूँ संताप भाई, मगर स्मैक के बिना नहीं, मुझे इसकी लत लग चुकी है, वो रोज रात को संताप से रोते हुए बोलता, उसका अपना नाम होने के बावजूद लोग उसके अस्थि बंजर हो चुके शरीर को देखकर सिंकिया कहकर बुलाया करते, उसमें हड्डियों के अलावा कुछ और नहीं बचा था। उस फुटपाथ पर रात को 12 बजे तक सोना मुमकिन नहीं था क्योंकि रात को इलाके का भाई ठोकर मारकर जगा दिया करता था। भेड़ू, भेड़ू क्या है? भेड़ू, भेड़ू, भेड़ू। और भेड़ू का खुला 10 का नोट उसे देना पड़ता था, फिर नीम को बुलावा देके बुलाना पड़ता था, भूखे पेट की लोरी बड़ी दर्दनाक होती है। और 20वें ही दिन कुछ हो गया,
हैमलेट के रूप फनाती हैमलेट संताप और हैमलेट ये दो नाम इन्होंने खुद को दिए हैं हैमलेट क्योंकि हैमलेट का पहला किरदार इन्होंने जो एच डी में निभाया जिससे वो खुद को जान पाए और दुनिया ने इनको जाना हैमलेट की रूप फनाती उसके होश फाख्ता थे उस रात सीखे लुढ़कता पुड़कता आया रात के 12 बज चुके थे नवंबर का महीना था उन दिनों दादर रेस में रात को ठंड बढ़ जाया करती थी हैमलेट लेटा हुआ था नींद कोसों दूर थी कुछ ठंड के मारे कुछ भूख के मारे उसने 3 दिन से कुछ खाया नहीं था संताप भाई चीख्या ने जोड़ा हैमलेट जागा हुआ था रात के आखिरी 10 रुपये भाई लेके जा चुका था सो जाओ थोड़ी चादर दे और सीख्या पसर गया कहीं तगड़ी स्मैक भी गया था मुंह और शरीर से दुर्गंध आ रही थी हैमलेट ने अपनी तरफ उसकी तरफ करवट बदली और आंख बंद कर ली दोनों सो रहे थे सुबह 6 बजे हैमलेट की नींद टूटी उसकी नजर एकदम सीख्या पर गई उसकी आंखें सिकुड़ गईं उसने गौर से देखा सीख्या आंख मुंह खोले एकटक पड़ा हुआ था अपलक आसमान की तरफ देखता हुआ हैमलेट कुछ समझ ना सका उसने उसकी नाक पे हाथ रखा फिर मुंह पर सीख्या मर चुका था हैमलेट सारी रात एक लाश के सानिध्य में सोया था हैमलेट ने अंधेरी लोकल पकड़ी उसका जिस्म सुन्न था उसकी सांस थौकनी हो रही थी उसका गला बार बार सूख रहा था उसने ये यात्रा बिना टिकट के की थी और वो हर गुरजीत के मकान पर हाजिरी दे रहा था मैं तुझे एक एक पैसा भेज दूंगा दिल्ली से बस मेरा टिकट करा दे वो मिल रहा था बेसिकली जो जिसे कहते हैं जा रहा था वो था डर तो वो डर जो है डर बड़ा अजीब गरीब ये डर के बारे में शुरू में डर बड़ी कुत्ती चीज होती है क्योंकि वो कुत्ता चीज नहीं हो सकती डर बड़ी कुत्ती चीज होती है क्योंकि कुत्ता जी क्योंकि कुत्ता चीज नहीं हो सकती डर बड़ा भबक के आता है उबल के आता है बिफर के आता है लेकिन वो आता है क्योंकि उसके आने से उसका पाप भी रुक सकता है डर खूंखार होता है खतरनाक होता है खबरदार होता है और कभी कभी मजेदार भी होता है क्योंकि आने से पहले वो एक खूने से विभूति का एहसास कर जाता है डर फट के आता है फूट के आता है फड़फड़ा के आता है और अचानक सोनी सुहानी जिंदगी खुशहाल जिंदगी को फाड़ के चले जाता है कलम से निकले सारे चरित्र डरे हुए पैदा हुए हैं वो क्रिलियर हो या मैकबेथ कालिदास हो या विलोम स्टैनलेस की हो या विलियोमैन और सावित्री हो या महेंद्रनाथ डर ने सब पर राज किया है फिर हैमलेट बिना डर से कैसे बचा रह सकता वो डरते डरते राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय आया था डरते डरते राष्ट्रीय विद्यालय से निकल गया और वो लोग यही कहते रहे भाई वो क्या आदमी था अपनी तरह से जिंदगी बता दी सारे दोस्तों भी चले गए मगर देखो हैमलेट पे एक बॉम्ब नहीं गुजरा करता था उसे डर जाया करता था मैं हादसे में ऐसे हुए कि लगातार डर में ज्यादा हो गया लगातार होता गया उसमें तो डर पता नहीं क्या अब कहीं जाकर पिछले 4-5 साल से मैं मुक्ति पा पाया हूँ जब मैंने थेरेपी ली है जब मैं शराब पी चुका था बहुत भयंकर अल्कोहलिक हो चुका था उसके बाद मैंने थेरेपी ली है जो आप मालूम करेंगे तो मालूम पड़ेगा और मैं चाहता हूँ कि वो शराब पिए ना पिए हर बंदे को थेरेपी लेनी चाहिए हर बंदे को थेरेपी लेनी चाहिए क्योंकि शराब बेसिकली एक धार्मिक अवस्था होती है धार्मिक अवस्था होती है सुव्यवस्थित कर लोगे तो आपके शराब में नहीं वो बीमारी कहीं और होती है अल्कोहलिज्म बीमारी कहीं और होती है बीमारी बेसिकली आपकी धार्मिक अवस्था है सुव्यवस्थित कर लो तो वो ठीक हो जाती है तो उसमें जो चेंज आया मुझमें वो अनुराग तो खैर मतलब आपके इसने वो फेस देखा है जब मैं गुलाल के सारे गाने कैसे हुए थे मुझे अभी तक याद है सारा मैंने इसे कहा था कि जब मैं गुलाल मैं बॉम्बे तो नहीं मुलाकात थी नया नया प्यार था मैंने कहा बॉम्बे तो नहीं कर सकता मेरे को एक नया नया ग्वालियर दिल्ली से आया था तो दिल्ली मंडी हाउस पूरा दिमाग में था जेब में थवे थे तो मैंने कहा कि आगे उनका रेस करवा दे और मैं जो दिल्ली जाके करूँगा अब ऐसी डिमांड नया बंदा कर रहा है नया म्यूजिक डायरेक्टर कर रहा है और पूरी भी हो गई उस वक्त 12,000 का आरोप तो बांड्रा से लिया गया था मुझे मालूम है कौन सा म्यूजिक हाउस था वहाँ से लेके मैं बहुत दिल्ली आ गया दिल्ली आके जब किए तो आपके वो 7 दिन में 8 गाने हो गए गुलाल के और वापस गया मैं तो वहाँ एयरपोर्ट से फ़ोन किया कि मैं तेरे ऑफिस आऊँगा
और मेरे लिए एक जो है आपके रम की बोतल चाहिए, मुझे बिना उसके नहीं गाऊंगा। तो उसे मंगवा के रखी थी, उसके बाद मैंने गाए गाने, कैसे हुआ मुझे उसको कैसे नहीं हुआ ये बेहतर बतलाएगा आपको। ये आपका हर सारी जिंदगी रहा, आपको दूसरों पे ज्यादा विश्वास रहा, खुद पे हमेशा अविश्वास रहा। मेरे ख्याल से ऐसे ही रहा, मेरे ख्याल से आप गाने से भी घबराते थे। आपने गाने कंपोज करने के बाद हारमोनियम लेके रम पी करके आप महफिल में गा सकते थे, लेकिन जहाँ माइक सामने माइक मना करते। मेरे ख्याल से नहीं था, मेरे ख्याल से हिम्मत नहीं थी, ये बहुत डर था, मेरे बहुत डर था, बहुत ज्यादा डर था। लेकिन फिर वो हिम्मत कहाँ आई थी जब आपने वो पारसी नाटक किया था पहला एनएसडी में, और आपके जो म्यूजिक डायरेक्टर जो थे वो कार्नवस चले गए थे, उन्होंने पूछा गया था बिना शाह साहब थे उन्होंने कहा था कि बिना संगीत के तो मैं ये नाटक कर ही नहीं सकता, तो आपने हाथ उठा के किस हिम्मत से कहा था कि सर उस वक्त मैं म्यूजिक करूंगा। हाँ यंग थे, बहुत ही यंग थे, बहुत यंग थे, 21-22 साल का लगा था ना। मैंने कहा कि मैं म्यूजिक करूंगा, तुमने कहा तुम्हारी एज ही साल है 21-22 साल की, इसमें 16 गाने हैं, कहाँ से करोगे? मैंने कहा नहीं सर कर दूंगा मैं। और 8 दिन थे मतलब नाटक होने में, 8 दिन थे, तो मैंने किया पहला गाना किया। अच्छा करता था तो मैं बड़ा धड़ाके से करता था, मतलब मेरी फीलिंग से बड़ी बहन करती थी गाना गाने की। एनके शर्मा मेरे दोस्त था, वो कहने लगे गाना करते ये वाला गाना करते, मैं भी यार सिगरेट पी के आया, सिगरेट पी के आया करता हूँ, गाना कंपोज होता था, कंपोज तैयार, गाना लिखा हुआ कंपोज तैयार। वो कहता यार तू कैसे कैसे करता है सारा गाना, इतनी जल्दी कैसे करता है? मतलब आराम पर प्रचंड में 2 दिन लिख दिया था, आराम पर प्रचंड 2 दिन में, 2 दिन में, 1 दिन में, ये सब मैंने एक बगल में चांद हो गया 1 दिन में, ये सब चीजें मैं ऐसे लिख जाया करता था, ऐसे लिख जाया करता था। अरे यार क्या सुनोगे, बहुत गाके आया हूँ मैं गलती में। हारमोनियम है, हारमोनियम हारमोनियम भी चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, ना और ये मुझे पहले लेके दोपहर में नामे पहुँचे के दूजे दूजे के चौथे मकाम में पहुंचे। कहते हैं जिसको दूजा मुल्क उस पाकिस्तान में पहुंचे, लिखता हूँ खत में हिंदोस्तान से पहलू में हुस्ना में पहुंचे, ओ हुस्ना। मैं तो हूँ बैठा ओ हुस्ना मेरी यादों पुरानी में खोया, पल पल को गिनता पल पल को चुनता बीती कहानी में खोया। बढ़ते जब लड़ते हिंदोस्तां में यादें तुम्हारी बोले, होता हो जाना हिंदोस्तां में बातें तुम्हारी बोली। ओ हुस्ना मेरी ये तो बता दो होता है ऐसा क्या उस गुलस्ता पे रहती हो नहीं कब उतरती हूँ तुम जहाँ। ओ हुस्ना के पत्ते क्या झड़ते हैं पाकिस्तान से जैसे झड़ते यहाँ, होता हो जाना क्यों ऐसा ही है जैसा होता हिंदुस्तान यहाँ। हीरों के राजों के नगमे क्या भी सुने जाते हैं हम वहाँ, ओ हुस्ना। और उतना है रातों में पाकिस्तान क्या वैसे ही जैसे हिंदुस्तान, ओ हुस्ना। हाँ कल भी सोचा यार, परसों भी सोचा गागा के आ रहे हैं, कल पूरे दिन पर थके रहे, परसों पर थके रहे, तो गागे सीधा यहाँ पर आ रहा हूँ तो आवाज भी थकी हुई है, बहुत खराब आवाज। लेकिन आप जो है इस समय उस मुकाम पर है जहाँ पे आप काफी चीजें स्वीकार कर चुके हैं। हाँ आप बहुत सारे डिसिल्यूशनमेंट के स्टेजेस रहे हैं आपके, जब आप बहुत सारी चीजें जिसको आप सब कुछ दे देते थे, अपने आप को सौंप देते थे, फिर आपको एक पॉइंट पे ऊपर लग और वो टूटता था, फिर आप जो टूटता था आप उखड़ जाते थे। आप कभी अपने आप को
अलग नहीं कर पाए किसी से, उखड़ जाते तो दूर चले जाते थे। लेकिन आज आप जहां पे हो, वो किताब लिखने के बाद, पल्ली मारन के बाद, किस चीज के बाद, आप कहते जो हम लोग अपने अभी हाल में गैंग्स ऑफ वासेपुर के शो के लिए हम लोग गए थे, मैंने पहली बार आपको इतना कूल के हंसते हुए देखा था। उस तरह की हंसी आपके मुझसे कभी सुनी नहीं थी, मेरा विश्वास नहीं कर पाए। अब कूल हूँ यार, कंटेंटेड हूँ, मतलब चप टू चप इतना पैसा कमाएंगे सारे, कितना पैसा कमाएंगे, स्टार बन जाएंगे, कितने बड़े स्टार बन जाएंगे, और कितनी पिक्चरें कर लेंगे, करने की चीज करनी थी। अब जो है ठीक है, अब मैं वही, अब मैं 60 का हो गया, अब मुझे लगता है कि जो मैं देखिए बहुत दूर दूर बात है प्रिया बड़ो मानना, लेकिन मैं अपनी मृत्यु का आभास कर चुका हूँ, साफ से बात है, हो गया 15-20 साल में गुजर जाएंगे, बात ही खत्म हो गई सारी, है ना। तो इसलिए जो आप वही करेंगे, आप सट गए पहले थे 60 के, तो वही करेंगे जो मन कर रहा है, मतलब आज की तारीख में कुछ पोएट्री लिखने का मन करता है तो वो कर देता हूँ, जहाँ छोटे शहरों में जाता हूँ वहाँ पर वर्कशॉप करने का मन करता है वो कर देता हूँ, वहाँ पर लोगों से ना तो पार्टीज में जाता हूँ ना मैं उसमें मजे कुछ मजा आता है ना फंक्शन ना, तो अब पहले तो बात बुलाते ही नहीं था इसलिए ना जाने का सवाल ही, वो तो ऐसी जो है एक्टिंग भी कर लिया, इतनी बड़ी एक्टिंग कर ली, एक्टिंग में कुछ साबित करने की इच्छा नहीं है, ऐसा नहीं कि सब साबित कर चुका हूँ, लेकिन कर लिए ठीक है, रोल कर लिए, बढ़िया रोल कर लिए, अच्छे रोल कर लिए, अच्छे लोगों के साथ काम कर लिए, इसके साथ साथ बहुत काम किया मैंने, इम्तियाज के साथ काम कर लिया, तमाशा कर ली, डॉग स्टार कर ली, मैंने अमिताभ बच्चन साहब थे उनके साथ टीम कर ली, बड़ी इच्छा थी काम करने की उनके साथ में, कभी कैसे कैसे एक्टर है कैसे नहीं, इनके साथ तो फिर बहुत सारा काम किया। इसकी एक्चुअली आदत है, ये जो भी जो है जो जो भी मैं अच्छा काम करना पड़ता है मैं वो खींच ले जाता हूं। एक चीज जो किताब में नहीं लिखी वो मैं किस्सा सुनाता हूं आपको, इन्होंने गुलाल के लिए इनको मैंने कैसे फंसाया तो इनको लगता है कि मैं किताब में अभी तक मैंने किताब में अभी तक लेकिन नहीं उस पर वो बोलता है किताब में लिखा है ऐसा कि मैं गया था वहां पे दोस्त मैंने कहा आ जाइए ऑफिस और दो साधारण से म्यूजिक डायरेक्टर बैठे हुए थे और मैं चलो आया तो कुछ सुना दो ऐसा इन्होंने लिखा है किताब में इनको ये नहीं मालूम है कि तीन बहुत ही साधारण म्यूजिक डायरेक्टर मैंने खुद बुलाए थे और वो नहीं तीन थे और उन्होंने हारमोनियम लेके बजाना चालू किया ना म्यूजिक सुनाना चालू किया दूसरे वाले को सुना गाली दी तीसरे वाले से पोखा लागे बोले हटा यार हारमोनियम इधर दो और इन्होंने बजाना चालू किया मैंने कहा भाई यही चाहिए मुझे आपके अनुराग से पहली बार मुलाकात कैसे हुई एंड एंड ही प्लेज आपकी किताब में एक सेंट्रल कैरेक्टर जो आपने हैं मेरा नाम इन्होंने बदल के अनिकेत रखा अनिकेत है तो इसका कुछ नहीं था यार पहले मैंने इसकी मैंने पिक्चर देखी थी पहले 70 देखी थी मुझे लगा था लिखी अच्छी है यार सौरभ भी था सौरभ का नाम था इसमें लिखी अच्छी है उसके बाद फिर मैंने शूल देखी शूल देख के मैंने कहा ये बंदे ने किसने बनाई है और किसने लिखी है तो फिर मनोज को फोन किया मैंने कहा किसने लिखी है तो अनुराग ने लिखी है मैंने नंबर दे उसका नंबर दे के मैंने ऐसे ऑब्वियसली जो लगा के फोन किया मैंने कहा तुमने लिखी ये पिक्चर आपने लिखी मैंने कहा तुमने बहुत अच्छी लिखी है मेरा नाम पीयूष मिश्रा है और तुम बहुत ही बढ़िया लिखता है तुमने गजब लिखी है पिक्चर तो इनके दिमाग में उछल कर ये बात की पीयूष जी का फोन आया था ये था वो था मेरे लिए तो हीरो रहने ये तुम्हें इनको इनको याद नहीं कि जब मुझे रिहर्सल करते थे बांधे में वहाँ बैठता था भीड़ में इनको गाने कंपोज करते हुए देखा और रिहर्सल करते हुए देखा परफॉर्म करते हुए देखा तो इनको 7 साल के बाद शूट देखने के बाद पता चला मैंने लिखी लेकिन इनको मैं बहुत सालों से देखता और एडमायर करता रहा था लेकिन वो कहानी हमारी मुलाकात के बारे में मैं भी बहुत जरूरी चीज पूछना चाहता हूँ इस किताब को जब पढ़ता हूँ ना आपकी जिंदगी के हीरो जो है हाँ वो प्रिया है मैंने नहीं लिखा ये हाँ तो इस किताब में एक बहुत खतरनाक सी लाइन है मैं बहुत जोर से ठहाका मारा था आपको
शुरुआती दौर में ही लोगों ने कह दिया था कि पीयूष भाई, पीयूष मिश्रा यार तुम संताप हो, संताप तुम ना किसी के साथ टिक नहीं सकते, कोई तुम्हारे साथ टिकेगा नहीं। और सालों के बाद वही बंदा बोला, और पीयूष भाई ने उसको बोला, देखा तूने कहा था ना मैं टिक नहीं सकता, आज तक टिका हुआ हूँ प्रिया के साथ। तो बंदा इसको बोलता है चूती है, उसने मानता उसके तुम्हारी नहीं। उस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? क्या कहूंगा यार, टिक जाते हैं सब लोग, पता नहीं क्या कहूंगा इस बारे में। हाँ जी, बोलो कुछ बोला नहीं है, मतलब हर बंदे औरत, मेरे ख्याल से औरत हम कितना भी विमेंस लिप की बात कर लें, सब कुछ कर लें, औरत का बेसिक ट्रेड होता है समर्पण। समर्पण कुछ भी, कैसी भी औरत, कैसी भी औरत, कैसी भी औरत है, जितने भी आपके बहुत फेमस जो है आपके विमेंस लिप की और ये और वो और ऐसी वो गुलाब जिंदाबाद वाली, लेकिन बेसिक ट्रेड उसका समर्पण होता है। अब मैं आज नहीं बोलना चाहता, लेकिन हाँ इफेक्ट बात है कि अगर तुम नहीं होती तो आज वो तय कर लेती, वो तय कर लेती। हाँ मतलब वो, मैं अगर नहीं होता, मैं सही बात है, इतना इतना खराब, ऐसे शराबी कौन झेलता है यार, मतलब ऐसी शराबी कौन जो 20-25 साल तक 40 साल तक लगातार आप ड्रिंक कर रहे हैं, ड्रिंक करके जो है ड्रिंक कर रहे हैं, मतलब अच्छे बच्चे बच गए, बच्चे बच गए मेरे ड्रिंक से, एल्कोहलिज्म के प्रकोप से, लेकिन वो जो बाहर जो होता था, मतलब वो साइंस नहीं है, जरा भी आप पी के आ रहे हैं, बड़ा हरकतें कर रहे हैं, गुस्सा हो रहा है, नाराज हो रहा है, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, तो ऐसे वक्त को सहन करना जो है, मतलब ऐसे पति को सहन करना, मेरे और भी लड़कियाँ होती होंगी मेरे ख्याल से, डेफिनेटली होती होंगी, शायद सहनशील लड़कियाँ, लड़कियाँ वैसे भी सहनशील होती हैं, ये मेरा मानना है। तो बहुत सहन किया गया मुझे, मेरे जैसे बच्चे को बहुत सहन किया गया। चलो हो गया, बट आई थिंक इसमें जो पीयूष भाई को फोन पे भी मैंने बोला पढ़ने के बाद कि इस किताब में हीरो आप ही हैं, इंटेंशनली और या अनइंटेंशनली मुझे नहीं पता, बट वो जो उसको सहनशीलता कहते हैं, मैं तो उसको इस पर कहूँगा कि पीयूष भाई को तलाश थी अपनी कला की, उनको खुद से प्रेम था, इनको इनसे प्रेम था। और वो जो है कहीं ना कहीं वो आदमी तभी कर सकता जब वो तय करता है, उसे सहनशीलता नहीं होती, मेरे को लगता है वो कहीं ज्यादा होती सहनशीलता, पर आसान था। आत्मुख सा बंदा था, आत्मुख सा बंदा था, मतलब अपने आप पर बहुत बंदा था, यार तुम क्या आर्टिस्ट हो, तू तो भी खुश था, ये था तुम आर्टिस्ट। देखो मैंने ये किया है, मैंने वो किया है, अब कहीं जाकर धीमे धीमे वो कम हुआ है, पहले ये था कि मैं बिल्कुल बकरी था, बिल्कुल बकरी था, मैंने ये किया, मैंने वो किया, वो कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ, रिची मछली है, यही है, ठीक है बढ़िया बात है, शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, जो भी जाना है शांत हो जाओ, आराम से मैंने काम रहो। इसलिए और भी लोग मेरे जो सहकर्मी हैं, मेरे साथ वाले एज के हैं लोग, वो जो बोलते हैं कि जो है मैं बॉस ये कर दूंगा, मैं हंसता हूँ यार, मैंने कहा तू कुछ भी कर देगा, अभी 15-10 साल के बाद में चला जाएगा तू, है तेरी औकात क्या है पीयूष मिश्रा। तो इसलिए जो है ऐसे इतना उड़ के मत बोल, अपन को जो है आराम से जीना है, आराम से जिंदगी जियो। तो आजकल जो है वही पिछले 5-6 साल से बहुत ही शांति है जिंदगी में, कोई टेंशन नहीं है, आराम से घर में रहता हूँ, घर से शाम को अपने ऑफिस जाता हूँ, घर आता हूँ, कोई पार्टी नहीं, चक्कर नहीं, आराम से शाम को दो ड्रिंक लगाए, आराम से जो है रियाज किया, म्यूजिक किया, आराम से सो गए, अपने बच्चों को छोटी कुतिया है बहुत ही प्यारी है मेरी, उसको चलाता हूँ और सो जाता हूँ, तो आजकल काम भी मिल जाता है। और आजकल तो खैर बैठ की वजह से मेरे को पुस्तक भी मिलती है, लगातार ट्रेवल कर रहा हूँ मैं, नया पैशन है, अभी का बुक खत्म होता है, इसके बाद देखता हूँ एक्टिंग कब करवाता है कोई, तो कोई एक्टिंग कर लेता है। लेकिन उन्होंने कभी वो बिना अगर इनसे एक्टिंग नहीं करवाऊंगा तो म्यूजिक भी नहीं करेंगे, वो एक एक के साथ दूसरा आता है, लेकिन
मैंने कहा वो स्कूल ऑफ प्लानिंग आर्किटेक्चर से क्या और किताब में अक्सर जिक्र आता है जब लिखती हैं और भापते हैं और आपको हमेशा एहसास दिलाती हूँ कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए और कभी भी बात हमेशा पीयूष और प्रिया की जब होती तो पीयूष भाई के म्यूजिक की होती है और पीयूष भाई के कला की होती है प्रिया के आर्किटेक्चर की कितनी बात होती है ये आर्किटेक्चर यार ये बताओ यार ये थी आर्किटेक्ट थी बहुत अच्छी आर्किटेक्ट थी ये जब तक मैं वहां पर था दिल्ली में तब तक मैं प्ले करता था थिएटर करता था सब लोग पूछते थे घरवाले के भी काम क्या करते हो थिएटर करते हो काम क्या करते हो मैं कह रहा हूँ मैं थिएटर करता हूँ मैं क्या होता है उसमें पैसे अपनी जेब से लगाने पड़ते हैं तो अजीब सा प्रोफेशन है तुम अपनी जेब से पैसे लगाते हो तो पैसे तुम्हारे पास तो आते नहीं होंगे मैंने कहा जी बिल्कुल ही नहीं आते तो ये तो मेरे हाल थे और ये चले पूरे 20 साल हम थिएटर भी ऐसा है कि सुबह 6 बजे जाया करता था हम मंडी हाउस सुबह 6 बजे सर्दियों में यार आप सोचो कि जो दिसंबर जनवरी की सर्दियाँ क्या होती हैं और जब शहर हमारा सुनता है उसी वक्त लॉन्च हुआ था सुबह 6 बजे जाना वहाँ पर और एक्सरसाइज करना अंडरवियर में उसके बाद म्यूजिक करना वहाँ पर 6 बजे से हमारे दौर में चल रहा था उस हमारे गानों का कार्यक्रम चल रहा था सुबह 6 से लेकर शाम को 9 बजे तक खाली लंच का नाश्ते का और चाय का ब्रेक होता था और शाम को जो है 9 बजे के बाद शराब थी तो इतनी टेढ़ी जिंदगी थी तो घर में कुछ अच्छा बच्चा पैदा करने का भी शौक था तो एक बच्चा भी हो गया था ऐसा भी नहीं कि जो शांति मिल रही हो गई तो बच्चा भी हो गया है साथ में माँ भी थी साथ में चाचा भी थे तो ऐसे वक्त में घर में कौन कमाएगा तो प्रिया ने जो है मतलब शुरू में जो है ज्वाइन कर लिया था सर्विस तो इन्हीं के पैसों से घर चला करता था मैं जो है मतलब मैं ये नहीं कहूंगा कि मैं पैशनेट था थिएटर के बारे में मैं बेसिकली बेशर्म था बिल्कुल बेशर्म था मतलब गैर जिम्मेदार आदमी था यार मैं मतलब क्यों बोलते जबरदस्ती की पैशनेट था पैशनेट क्या पैशनेट गैर जिम्मेदार आदमी था तमीज था बेशर्म था मुझे मालूम था घर में पत्नी है बच्चा है माँ है फिर भी जो है मैं लगातार मुझे क्या हक था थिएटर करने का कोई हक नहीं था मैं अपने जितने आने वाले जनरेशन है सबसे बोलता हूँ 4-5 साल कर रहा इसके बाद में चले जाना बॉम्बे इसके बाद मार रहा मत अपने आप को जैसे मैंने किया 20 साल तक मैं और कम्युनिस्ट और मेरे बहुत जवान और खुलवाओ यार तो जो है ये करता रहा मैं लगातार इनके चक्कर में पड़ा तो इंकलाब जिंदाबाद करो और क्रांति आने वाली है वहाँ देखो वहाँ टिकी हुई है अभी वहाँ अभी आने वाली है क्रांति लाल मिट्टी पर टिकी हुई है और अभी आने वाली है और मैं जो है करता रहा कि भाई चलो 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 अपने अभी आई क्रांति चली आई क्रांति चली अभी तक नहीं आई क्रांति कौन सा जंतर मंतर था कौन सा ये था कौन सा मंतर था सब जगह जाके धरने दिए फिर रह गए सत्तर आशमी तो एक बार रह सकते हमारी तो हमारे 4 बार बढ़ते बढ़ते बचा था मैं अपने रूट के साथ हमारे दौर में गाया करते थे हम इंडिया गेट पे गा रहे थे एक बार हो गया जंगल का हमला और बाहर में उस समेट के भागे सारे हीरोज निकल गया हमारा भाई मर जाएंगे सारे तो आपके मतलब क्या इंकलाब करेंगे पहले इंकलाब करने के लिए भी जिंदा रहना जरूरी है तो ऐसे भागते थे वहां से लेकिन करते गए करते गए काम करते गए थिएटर के पैसे नहीं लेंगे ये भी एक था थिएटर में पैसे लेना पाप है थिएटर से पैसा कमाना पाप है अरे तो कुछ तो होगा मतलब कल जिंदा तो रहोगे कम से कम क्या बात कर रहे हो थिएटर से पैसा कमाना का पाप है थिएटर कर लूंगा 3-3 घंटे का परफॉर्मेंस करूंगा 3-3 घंटे के बिना रुके परफॉर्मेंस बिलीव मी 3-3 घंटे के बिना रुके परफॉर्मेंस एंड इवनिंग में पीयूष उषा करके क्लिप हुआ करता था उसमें 3 परफॉर्मेंसेस थे और बिना रुके 3 घंटे के 5 मिनट का ब्रेक लिया करता था उसमें वो पागलपन था बेसिकली वो पागलपन था इसके अलावा कुछ नाम नहीं दे सकते उसके भी पैसे नहीं लिया करो पैसे अरविंद गौड़ को वो जो उसका ग्रुप था मैंने कहा तो मुझे खाली हॉल दे दो और थिएटर स्पेस दे दो और बाकी पैसे सारे तुम ले दो तो मुझसे बोलता कि पीयूष भाई पैसे तो चाहिए कुछ तो चाहिए मैं भी थिएटर करता हूँ लेकिन मेरे घर में भी पैसे आते हैं कहीं से नहीं नहीं मैं पैसे नहीं कमाऊंगा क्यों क्योंकि कॉमरेड्स ने कहा कॉमरेड्स वाले तले में जो आपके वो तकिया लेके और गाड़ियों में बैठ के अपने आराम से ड्राइव करते कॉमरेड्स मुझे बोल जाते कि यार पैसे कमाना पाप है और मैं जो है कॉमरेड्स में आराम बुरी तरीके से ये था तो उस वक्त जो प्रिया का जो है मैं रोल बड़ा इंपॉर्टेंट था कि ये बेचारी पैसे कमाया करती थी और लाया करती थी ड्रेस जीवन तो उस था नहीं हमारा सुबह निकलना मेरा सुबह बच्चे सो जाया करते थे स्कूल चले जाया करते थे दोपहर में आया करते थे खाना खाने के लिए तब बच्चे आया करते थे और शाम को रात को आने का ठिकाना नहीं था तो बच्चे सो जाया करते थे लेकिन सौभाग्य से बच्चों पर जो है ये इसका ये अच्छा हुआ कि बच्चों पर इसका प्रभाव नहीं पड़ा मेरे एल्कोहलिज्म का और दूसरी बात यह कि हमने प्रण कर लिया था कि हम
घर में बच्चों के सामने कभी लड़ेंगे नहीं, अगर गुस्सा हो जाएंगे तो हमने ये ओथ ले जाती ले ली थी हमने, खुशी हो जाएंगे हम बच्चों के सामने लड़ेंगे, इसलिए हमारे बच्चे बच गए, बच्चे बहुत शरीफ बन गए थे बच्चों का। उन्होंने कहा कि मैंने कहा भाई आर्टिस्ट बनना है, एक्टर बनना है, दोनों बड़े खूबसूरत बच्चे हैं, तो उन्होंने कहा वह क्या करते हैं एक्टर बनने में, मैंने कहा ये करते हैं देखो आपके स्पीच पढ़ते हैं ये करते हैं करते हैं, तो बड़ा उसने कहा कि पहले शैलॉप कर लिए बच्चों के टेनिस पर, उन्होंने कहा मजा नहीं आया बाबा, बैक स्टेज में मजा आता है, दूसरे बंदे को मैंने गाना सिखाया करने का बाबा मजा नहीं आ रहा मेरे को, तो फिजिक्स मजा आता है, फिजिक्स में मजा आता है आपको बताओ, फिजिक्स आप में से किसी को कुछ जानना है पूछना है जो आज के उपन्यास आज की इस किताब के हीरो हीरोइन यानी प्रिया जी को तो सामने माइक वो नहीं आते हैं वो, अरे नहीं वो भूल भी नहीं बोलेंगे भी नहीं क्या नहीं बोलोगे हाँ नहीं बोलेंगे वो ये प्रॉम्प्टिंग गलत हो रही है था जब वो देखता नहीं है ये जो आपकी महानता के बारे में तमाम बातें हो रही हैं और अनुराग भाई जहां घूम फिर के आ रहे हैं और पीयूष भाई काठमांडू में जितना खुल के मुझसे अकेले में बोल रहे थे आपके बारे में, और उनको किताब में सबसे ज्यादा जिस बात की परवाह थी तमाम बदले हुए नामों में किसको क्या लगेगा इसमें कोई परवाह नहीं थी, उनको परवाह ये थी कि प्रिया के साथ वही कहे कहीं मैंने अन्याय तो नहीं किया, तो वो बात एक तो यहाँ पर ही गोल कर गए और दूसरी बात एक और गोल कर गए कि रात को उस जो इनका पेट है केवल उसको सहला के नींद नहीं आती बल्कि आपके साथ आजकल इनको दिन भर का गॉसिप करके तब नींद आती है। हाँ शाम को यार बीवी से गॉसिप नहीं किया, क्या क्या किया साला, हाँ मतलब उसकी बेटी उसके साथ भाग गई उसको फंसी हुई है उसके साथ में, ये जब तक मजा नहीं किया उसके अलावा क्या पता, रात को बिचिंग होती है उसी से गृह जीवन जो है संभलता है, रात को मजा आता है रात को ऐसी बातें करने में भी यार आपके देखो चटकी दीवार है चावल ना दबल, ये तो एक तरफ की कहानी है, दूसरी तरफ वाली कहानी क्या है कि पीयूष भाई को घर में गुस्सा आता है कि नहीं आता है और घर में बच्चों के सामने झगड़ा नहीं करना है इस शपथ का पालन इन्होंने किस तरह से किया, प्रिया जी ने बच्चों को पीयूष से बचा के रखा Yeah, that's true. Because बच्चे जो है चाइल्डहुड में व्हाटएवर दे सी दैट इज गोइंग टू इंपैक्ट यू नो व्हाट दे ग्रो अप, तो हम लोग इज राइट कि बहुत कॉन्शियसली बच्चों को थोड़ा कुछ भी प्रॉब्लम्स है कुछ भी है दूर रखा है, बाकी जो भी अनुराग या मितुल कह रहे महानता लॉल आई डोंट थिंक दैट्स एनीथिंग लाइक दैट, इट्स सर्कमस्टांसेस होती हैं और हर पर्सन कैसे रिएक्ट करता है या यू नो उस सिचुएशन में कैसे बिहेव करते हैं, इट्स ऑल ड्यू टू दैट, बिकॉज व्हेन आप उस मोमेंट में रहते हैं आपको ये थोड़ी पता है कि आप क्या कर रहे हो, आप एज अ पर्सन आपका जो बैकग्राउंड है आपका जो टेम्परमेंट है उसके हिसाब से रिएक्ट करते हैं और वो तो बाद में आप रिफ्लेक्ट करते हो तो आपको लगता है ये वर्कआउट हुआ या वर्कआउट नहीं हुआ, कोई कह सकता है कि नहीं करना चाहिए नहीं सहन करना चाहिए, कोई कहेगा सहन करना चाहिए, तो किसी भी चीज को महान बनाने की भी जरूरत नहीं है, यू नो इवन समटाइम्स सैक्रिफाइस भी बहुत अच्छी चीज नहीं होती है, समटाइम्स यू हैव टू स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ, बट अगेन एवरी स्टोरी अपनी खुद की स्टोरी होती है, कोई एक टेम्पलेट नहीं होता कि सबको ऐसे ही बिहेव करना है या ऐसे नहीं करना, सो दैट इज बीन आवर जर्नी एंड आई होप पीपल फाइंड समथिंग पॉजिटिव इन इट, और कुछ गलत भी लगे तो जरूरी नहीं है ना कि हर जर्नी एक जैसा हो, पहली बार जो इनमें देख पाऊ अरे बड़ा माता का जो लेगा था भाई कितना आइडिया है, आपने पहली बार इनमें देखा इनमें क्या देखा आई थिंक
जो पहला जो क्रश या इन्फैटुएशन था वो दैट वाज बिकॉज़ ऑफ पोएट्री एब्सोल्युटली व्हाट बी एब्सोल्युटली मतलब मैं अगली फिल्म के गाने के लिए आपके पास आ रहा हूँ कौन सी चीज आपको हमेशा याद रखना चाहेंगे और ऐसी क्या बात है जो कभी याद नहीं करना चाहिए अब तक की लाइफ एक्चुअली दोनों चीजें एक ही है ये है साथ दिया बट ऑल्सो अगर वो बदलाव आया है इट्स ऑल्सो बिकॉज ही इज वर्क ऑन हिमसेल्फ उन्होंने रियलाइज किया है कि उनमें प्रॉब्लम्स है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन जो कहते हैं बहुत लंबा प्रोसेस रहा खुद पे अंदर झांका है तभी तो वो इच्छा हुई कि मैं उसको सुधारूं अगर वो नहीं करते तो वो शायद नहीं होता वो जर्नी नहीं होता इनका भी सो दैट इज अ गुड थिंग बहुत ईमानदारी से किताब में लिखा है बहुत लंबा प्रोसेस रहा है खुद पे काम करने का क्योंकि एक चीज जो मैंने कहा बरकरार है कि नहीं है क्योंकि है वैसे ही सिर्फ इनकी खराब आदतें चली गई हैं लेकिन आज भी वही झूठ तब भी नहीं बोल सकते थे आज भी नहीं बोल सकते इनके वो से झूठ निकल ही नहीं सकता इनको कंट्रोल करना पड़ता है बिकॉज़ बेसिक पर्सन वो वही है जो इंटरनल है जैसे ही सेइंग इज अ वेरी ऑनेस्ट पर्सन ही हैज नेवर बीन एबल टू चीट एनीथिंग दिख के नहीं रह सकते मैं अपने अनुभव से कहूं मेरे साथ इतनी साल से नहीं सबके साथ टिकते हैं हाँ ये मैं बोला ना ये नहीं ये किताब की बात नहीं हर चीज में सबके साथ टिक के रहते हैं ये उखड़ते हैं लेकिन ऐसा नहीं कि कहीं और दूर इनको उखड़ने के बाद भी मैं ज्यादा बात नहीं कर पाता किसी से मतलब आई एम नॉट अ गुड कन्वर्सेशनिस्ट मैं ज्यादा बात नहीं कर पाता मुझे अपना साइलेंस चाहिए सॉलिट्यूड चाहिए अगर पार्टी में जाता हूँ और गठर हुआ तो मैं थोड़ी देर में गुम हो जाता हूँ अपने आप के साथ एक ड्रिंक लेके मैं अपने आप में चले जाता हूँ उसके बाद सुबह घूमते रहते हैं वो कई बार जो है समझते हैं कि यार बड़ा अजीब सा आदमी है तो मैं समझता हूँ हाँ पीयूष जी एक बहुत अच्छा संदर्भ आपने जिक्र किया कि आपके 20 वर्ष दिल्ली में जो गुजरे विशेषकर कॉमरेडशिप में आप उसको जिम्मेवार अपने आप को मानते हो या अपने कॉमरेड्स को मानते हो या माहौल को मानते हो कैसी सर जो टोटल आपके 20-25 साल कॉमरेडशिप में भी आपने जिक्र किया संदर्भ का कि पैसे नहीं लेना थिएटर करना लोगों ने भी सवाल करने के बावजूद भी थिएटर भी इसलिए करना कि कुछ क्रांति आएगी जो आपने बोला था और मैं आपसे थोड़ा सा छोटा हूँ 5-6 साल और मैं भी संदर्भ में बहुत रहा हूँ दिल्ली में JNU में शायद लक्की एनफ के 6th class में मैं जाके JNU में चार्ट बनाने लगा था और उसके बाद इस प्रकार की अनेक प्रकार की परिस्थितियां रही हैं उसमें ओवरऑल जिम्मेवार कौन रहा हूँ परिस्थितियों के लिए सर मेरी बिल्कुल बेवकूफ़ है एक्चुअली ये बेवकूफ़ है जाना चाहिए था उनके साथ में उनका भी दोस्त नहीं था अपना काम निकलवा रहे थे और मैं काम करता जा रहा था लगातार वो गाने जो है वो गाने उन्हें बहुत गाने थे भी अच्छे माने थे भी अच्छे इतना फ्रिक्वेंटली इतना जल्दी इतने तादाद में गाने लिखने वाला उन्हें कोई मिलता था मैं इतना जल्दी गाने लिखता सर जब मेरे गाने अभी तो है नहीं सामने इतना जल्दी लिखता था मैं इतना जल्दी कंपोज करता था कुछ यानी कहते मैं कमजोर था तो इतना जल्दी हुए गाने मिलते भी नहीं थे गाने मेजर तरीके से गाने मेजरली वो गानों के वैसे जुड़े हुए थे और वहाँ चले जाओ फिर आदर्श मेरे अंदर डाल दिए फैमिली की चिंता मतलब हर फैमिली की चिंता करो छोड़ो अपनी फैमिली की ये अजीब सा ट्रेंड है हम लोग दुनिया मतलब इतना तो भी आज हम लोगों को भी समझ आता मैं भी जननाट्य मंच से शुरू किया था तो ये जो कह रहे हैं तो बेवकूफियाँ होती हैं हम लोग जब भी आइडियोलॉजिस्ट हो जाते हैं ना बहुत ज्यादा उसका इस्तेमाल कोई और ही करता है उसका फायदा भी अनुराग जी खुद जब भी उस एज में जितने नारे लगाए हैं इनकलाब जिंदा नाम कॉमरेड शिवदास घोष फलाना दगड़ा जो भी लाल साहब 40 की मन भी लगाए नहीं उसमें मैं सर ये पूछना चाहता हूँ आप क्यों आप क्या विजुलाइज कर रहे थे कि कोस किस क्रांति की बात कर रहे थे आप क्रांति होती है लाल क्रांति जो आती है कहीं से बट लहलाती हुई आती है एकदम तावड़ तोड़ तरीके से और एक बार दुर्भाग्य से हुई थी वो आपके 18
क्या नहीं नहीं 57 नहीं रूस में हो गई थी मेरे ख्याल से 1918 ये गलती से हो गई थी तो लुकते हैं और ये समझ लगता है कि हर जगह आएगी साली तो नहीं आती यार नहीं आ रही रहती यार ठंड रखो ना यार नहीं आ रही ठंड आराम से बैठो दारू पियो मस्त रहो सला करती है और ऐसे ही होता है बेसिकली ये लोग ऐसे ही करते हैं मटरू की बिजली का मंडोला में भी होती है तो सब इनके घर में यही होता है आपके ठीक है क्रांति की बातें कर ली सुबह शाम क्रांति की बातें कर ली रात को ड्रिंक करी फिर वही आपके आईएससी कल्चर आईएससी कल्चर मतलब सारे वहां मंडराते फिरते हैं वही देखा तो मेरा अपना जो है मानना है कि कटोता पहले थी कटोता थी पहले थी बहुत बहुत कटोता थी इनके प्रति वो भी चली गई आपने उपन्यास में बहुत अच्छी तरह से उसको डिस्क्राइब किया हाँ मैंने उनका टूटा था पूरा जिस पूरी तरह से विश्वास करते थे उसने उन्होंने किताब में एक जगह मेंशन भी किया है और 93 के बाद इनका लिखा हुआ नाटक में बदलाव आया जब शहर हमारा सोता है नाटक में अंत बदल दिया गया क्यों बदला खामखा क्योंकि जो है अंत बदल गया चढ़ाई हो गई थी एक एक सेक्टर खराब है सेक्टर अच्छा अरे मैंने तो यार न्यूट्रल नाटक लिखा था हिंदू भी अच्छे थे कुछ मुस्लिम भी थे अगर दोष था दोनों में था दोष था दोनों में था तो उसमें जो है एक पक्ष को जबरदस्ती आपके स्ट्रेसफुली बोलना कि यार ये धर्मांध होते हैं और ये अच्छे होते हैं क्यों यार हम तो नहीं बोलना चाह रहे थे कभी मैं तो नहीं बोलना चाह रहा था पता लगा उन्होंने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन करना चालू किया और उन्होंने किताब में लिखा भी है कि पहली बार मुझे लगा कि मैं अपने दोस्त से नहीं स्टालिन से बात करके आ रहा हूँ बहुत किताब का वो पता चलता है वहां से इनका वो टूटना चालू हुआ वहां से टूटना शुरू हुआ वहां से अभी अभी दोस्त है अभी बहुत ईमानदारी से वो किताब में लिखा है अभी दोस्त है ऐसी बात नहीं सब लोग बुरा मान गए एक्चुअली मेरे बदलते शुरू से बहुत लोग बुरा मान गए अधिकतर लोगों को लगा कि मैं जो है क्या हो गया बीजेपी का क्या होता है वो भगवानदारी हो गया क्योंकि कम्युनिज्म छोड़ा लेफ्ट छोड़ने का मतलब ये है कि आप इस तरफ आ गए अरे यार बीच में अध्यात्म नाम की चीज होती है आपका बिलीफ हुआ ना हो उस पर मेरा तो बिलीफ है एक विवेकानंद नाम का बंदा भी था जिसने आपकी दृष्टि दी थी हमको कि हाँ यार यहाँ चलो बड़ा मजा आएगा तो मैं जो है बड़ा मजा आता है मुझे क्या मतलब है आपके कम्युनिज्म छोड़ा तो हम सीधे भगवानदारी हो गए बीजेपी के हो गए मैंने तो कभी नहीं कहा सर आपने आपने बहुत अच्छा शब्द दिया मुझे नहीं पता ऑडियंस ने किसने ध्यान दिया बेसिकली जो एल्कोहलिज्म है बिल्कुल ठीक फरमाया आपने कि ये धार्मिक अव्यवस्था इसमें कोई शक नहीं जो व्यक्ति तरीके और सलीके से सुबह शाम जिसमें विश्वास करेगा चाहे हिंदू मुस्लिम से कोई भी हो अगर उसमें विश्वास करेगा अगर वो पिएगा भी तो बहुत तरीके और सलीके से पिएगा हर चीजों को समझेगा पिएगा अगर पिएगा तो अरे नहीं सर बड़े खतरनाक होते पीने वाले अगर आपका रिश्ता शराब से लेके किताब से लेके सिनेमा से लेके सबके साथ फिक्स हो तो आप ठीक हो जाएंगे हाँ सर भाई बहुत ईमानदारी से आपने लिखा भी है और हम सुन रहे हैं तो जो बात आपने कही कि मैं डर से ही संचालित होता था और सब कुछ डर से संचालित होकर करता रहता था और आज आप इस यात्रा पे जैसे आपने धर्म भी बोला और अध्यात्म भी बोला बहुत ईमानदारी से आज आप उस डर को कहां पाते हैं और उसके बावजूद इतना सब करते रहे और ये ईमानदारी आपको खुद पे लौटाती रही आपने कहा ये मेरी जिम्मेदारी नहीं किसी और का आपने नाम नहीं लिया इसके बारे में मैं चाहूंगा बात आप खुद पे वापस नहीं सर डर ये बेसिकली देखिए मैं बहुत ड्रिंक करने लगा था तो मुझे किसी ने बतलाया मैं नाम ले लूंगा मुझे किसी ने बतलाया कि इस समय अंदर के जो है तुम्हारी अवस्था है तो अपने सारे के सारे जितने पाप किए हैं जितने गंदे काम किए हैं सब लिख दो ये दो टूक बोल रहा हूँ मैं आप भी करके देखो कभी अगर हिम्मत है तो दो टूक लिख दो मतलब दो टूक कागज पर उल्टी करो इतना गंदा किया है उतना ही गंदा शब्दों में लिखो ब्लैक एंड व्हाइट जाके लिख लो पहली बार मालूम पड़ेगा तुम्हें पहली बार मालूम पड़ेगा कि तुम ये करके आए हो अगर आता है रात को मजा आता है रात को ऐसी बातें करने में कि यार आपके देखो चटकी की बात है ये तो एक तरफ की कहानी दूसरी तरफ वाली कहानी क्या है कि पीयूष भाई को घर में गुस्सा आता है कि नहीं आता है और घर में बच्चों के सामने झगड़ा नहीं करना है इस शपथ का पालन इन्होंने किस तरह से किया तो प्रिया जी ने बच्चों को पीयूष से बचा के रखा Yeah, that's true. Because बच्चे जो है जो childhood में whatever they see that is going to impact you know what they grow up.
तो हम लोग भी राइट कि बहुत कॉन्शियसली बच्चों को थोड़ा कुछ भी प्रॉब्लम्स है कुछ भी है दूर रखा है. बाकी जो भी अनुराग या मितुल कह रहे महानता नॉन आई डोंट थिंक इट्स एनीथिंग लाइक दैट. इट्स सर्कमस्टांसेस होती हैं और हर पर्सन कैसे रिएक्ट करता है या यू नो उस सिचुएशन में कैसे बिहेव करते हैं. इट्स ऑल ड्यू टू दैट बिकॉज व्हेन आप उस मोमेंट में रहते हैं आपको ये थोड़ी पता है कि आप क्या कर रहे हो. आप एज अ पर्सन आपका जो बैकग्राउंड है आपका जो टेम्परमेंट है उसके हिसाब से रिएक्ट करते हैं और वो तो बाद में आप रिफ्लेक्ट करते हो तो आपको लगता है ये वर्कआउट हुआ या वर्कआउट नहीं हुआ. कोई कह सकता है कि नहीं करना चाहिए नहीं सहन करना चाहिए. कोई कहेगा सहन करना चाहिए. तो किसी भी चीज़ को महान बनाने की भी ज़रूरत नहीं है. यू नो इवन समटाइम्स सैक्रिफाइस भी बहुत अच्छी चीज़ नहीं होती है. समटाइम्स यू हैव टू स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ. बट अगेन एवरी स्टोरी अपनी खुद की स्टोरी होती है. कोई एक टेम्पलेट नहीं होता कि सबको ऐसे ही बिहेव करना है या ऐसे नहीं करना. So that has been our journey and I hope people find something positive in it. और कुछ गलत भी लगे तो जरूरी नहीं है ना कि हर journey एक जैसा. एक सवाल पूछूं. उन्होंने realize किया है कि उनमें problems हैं. Self introspection जो कहते हैं. इनका बहुत लंबा process रहा खुद पे. अंदर झांका है तभी तो वो इच्छा हुई कि मैं उसको सुधारूं. अगर वो नहीं करते तो वो शायद नहीं होता वो journey नहीं होता इनका भी. So that is a good thing. मैंने बहुत ईमानदारी से किताब में लिखा है कि बहुत लंबा प्रोसेस रहा है खुद पे काम करने का. क्योंकि एक चीज जो जो जमाने का बरकरार है कि नहीं है क्योंकि है वैसे ही सिर्फ इनकी खराब आदतें चली गई हैं. लेकिन आज भी वही झूठ तब भी नहीं बोल सकते थे आज भी नहीं बोल सकते. इनके मुंह से झूठ निकल ही नहीं सकता. इनको कंट्रोल करना पड़ता है. Because basic person वो वही है जो internal है. जैसे he's saying he's a very honest person. He's never been able to cheat anything. मैं अपने अनुभव से कहूँ मेरे साथ इतने साल से टिके. नहीं सबके साथ टिकते हैं. हाँ ये मैं बोला ना ये नहीं ये एक किताब की बात नहीं. हर चीज में सबके साथ टिके रहते हैं. ये उखड़ते हैं लेकिन ऐसा नहीं कि कहीं और दूर. इनको उखड़ने के बाद भी मैं ज्यादा बात नहीं कर पाता किसी से. मतलब आई एम नॉट गुड कन्वर्सेशनिस्ट. मैं ज्यादा बात नहीं कर पाता. मुझे अपना साइलेंस चाहिए सॉलिट्यूड चाहिए. अगर पार्टी में भी जाता हूँ और बैठा हुआ हूँ तो मैं थोड़ी देर में गुम हो जाता हूँ अपने आप के साथ. एक ड्रिंक लेके मैं अपने आप में चले जाता हूँ. उसके बाद दो बार घूमते रहते हैं. वो कई बार जो है समझते हैं कि यार बड़ा अजीब सा आदमी है तो मैं समझता हूँ यार गुड टू हेल्प. हाँ पीयूष जी एक बहुत अच्छा संदर्भ आपने जिक्र किया कि आपके 20 वर्ष दिल्ली में जो गुजरे विशेषकर कॉमरेडशिप में. आप उसको जिम्मेवार अपने आप को मानते हो या अपने कॉमरेड्स को मानते हो या माहौल को मानते हो? कैसे सर? जो टोटल आपके 20-25 साल कॉमरेडशिप में भी आपने जिक्र किया संदर्भ का कि पैसे नहीं लेना थिएटर करना लोगों ने भी सवाल करने के बावजूद भी थिएटर भी इसलिए करना कि कुछ क्रांति आएगी जो आपने बोला था. और मैं आपसे थोड़ा सा छोटा हूँ 5-6 साल और मैं भी संदर्भ में बहुत रहा हूँ दिल्ली में जे एन यू में. शायद लकी एनफ के 6th क्लास में मैं जाके जे एन यू में चार्ट बनाने लगा था और उसके बाद इस प्रकार की अनेक प्रकार की परिस्थितियाँ रही हैं. उसमें ओवरऑल जिम्मेवार कौन रहा हूँ परिस्थितियों के लिए? मैं रहा सर. मेरी बिल्कुल बेवकूफ़ी रही. एक्चुअली मेरी बेवकूफ़ी रही. मैं बेवकूफ़ था. मतलब इतना देख नहीं जाना चाहिए था उनके साथ में. उनका भी दोस्त नहीं था. अपना काम निकलवा रहे थे और मैं काम करता जा रहा था लगातार. गाने जो है वो गाने उन्हें बहुत गाने थे भी अच्छे माने थे भी अच्छे. इतना फ्रिक्वेंटली इतना जल्दी इतने तादाद में गाने लिखने वाला उन्हें कोई मिलता था. मैं बहुत जल्दी मैं इतना जल्दी गाने लिखता सर कि जो है मेरे गाने अभी तो है नहीं सामने. इतना जल्दी लिखता था मैं. इतना जल्दी कंपोज करता था कि कुछ कहने के लिए मैं कंप्यूटर था तो इतना जल्दी उन्हें गाने मिलते भी नहीं थे. मेजर तरीके से मेजरली वो गाने को जुड़े हुए थे. और वहाँ चले जाओ वहाँ चले जाओ वहाँ चले जाओ वहाँ चले जाओ सर आदर्श मेरे अंदर डाल दिए. फैमिली की चिंता मतलब हर फैमिली की चिंता करो छोड़ अपनी फैमिली की. हर फैमिली की चिंता करो छोड़ अपनी फैमिली की. ये अजीब सा ट्रेंड है. नहीं ये दुनिया की समस्या ही हम लोग दुनिया मतलब इतना तो भी आज हम लोग को भी समझ आता. मैं भी जनरेटर मन से शुरू किया था. ये जो कह रहे हैं वो बेवकूफियाँ होते हैं. हम लोग जब भी आइडियोलॉजिस्ट हो जाते हैं ना बहुत ज़्यादा
उसका इस्तेमाल कोई और ही करता, उसका फायदा भी नहीं। अनुराग जी, जब भी उस एज में जितने नारे लगाए हैं, इनकलाब जिंदा नाम, कॉमरेड शिवदास घोष, फलाना दगड़ा, जो भी लाभ फला वोटर पाए, मैंने तो 40 की मन भी लगाए नहीं, उसमें मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूँ, आप क्यों, आप क्या विजुलाइज करते हैं कि कोस किस क्रांति की बात कर रहे थे आप? सामाजिक क्रांति, राजनीतिक क्रांति होती है, लाल क्रांति हो तो उनके अधीन के हिसाब से की क्रांति होती है, लाल क्रांति कुछ क्रांति ना की चीज होती है, वो आती है क्रांति को चीज होती है जो आती है कहीं से, बड़ी लहलाती हुई आती है एकदम पावर तोड़ तरीके से। और एक बार दुर्भाग्य से हुए थी वो आपके 18 क्या नहीं नहीं 57 नहीं रूस में हो गई थी मेरे ख्याल से, हाँ 1918 एक गलती से हो गई थी, गलती से हो गई तो लुकते आप ये लगता है कि हर जगह आएगी साली, और नहीं आती यार, नहीं आती, नहीं आ रही कहते यार ठंड रखो ना यार, नहीं आ रही ठंड, आराम से बैठो दारू पियो मस्त रहो चलती आएगी। और ऐसे ही होता है बेसिकली, ये लोग ऐसे ही करते हैं, मटरों की बिजली का मंडोला भी होती है, मटरों, हाँ मटरों की बिजली का मंडोला, अब बेसिकली ऐसे ही करते हैं, अंदर जाकर देखो, अगर के मोस्टर देखो अंदर से घर से, तो सब इनके घर में ही होता है, फिर ठीक है क्रांति की बातें करनी, सुबह शाम क्रांति की बातें करनी, रात को ड्रिंक करी, फिर वही आपका आईएससी कल्चर, आईएससी कल्चर, मतलब सारे वहाँ मटराते फिरते हैं, तो वही देखा है। तो मेरा अपना जो है मानना बल्कि कटता है, पहले थी कठोरता थी, पहले थी बहुत बहुत कठोरता थी इनके प्रति, वो भी चली गया। मैंने उपन्यास में, आपने उपन्यास में बहुत अच्छी तरह से उसको डिस्क्राइब किया। हाँ, मैंने उसका टूटा था पूरा, इन, इन, ये जिस पूरी तरह से विश्वास करते थे उसने, उन्होंने किताब में जगह मेंशन भी किया है। और 93 के बाद इनका लिखा हुआ नाटक में बदलाव आया, जब शहर हमारा सूत्र है नाटक में अंत बदल दिया गया। और क्यों बदला खामा खान? क्योंकि जो है राजा पावर की वजह से चढ़ाई हो गई थी, एक एक सेक्टर खराब, एक सेक्टर अच्छा। अरे मैंने तो यार न्यूट्रल नाटक लिखा था, हिंदू भी अच्छे थे, कुछ मुस्लिम भी थे, अगर दोष था दोनों में था, दोष था दोनों में था, तो उसमें जो है एक पक्ष को जबरदस्ती आके स्ट्रेसफुली बोलना कि यार ये धर्मांध होते हैं और ये अच्छे होते हैं, क्यों यार? हम तो नहीं बोलना चाह रहे थे कभी, मैं तो नहीं बोलना चाह रहा, उन्होंने बहुत अच्छे से डिस्कस किया। उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन करना चालू किया और उन्होंने किताब में लिखा भी है कि पहली बार मुझे लगा कि मैं अपने दोस्त से नहीं स्टालिन से बात करके आ रहा हूँ। बहुत किताब का वो पता चलता है, वहां से इनका वो टूटना चालू हुआ, टूटना शुरू हुआ वहां से। अभी दोस्त है, अभी बहुत ईमानदारी से किताब में लिखा है, अभी दोस्त है, ऐसी बात नहीं, सब लोग बुरा मान गए एक्चुअली, वो मेरे बदलते शुरू से बहुत लोग बुरा मान गए, अभी तक लोगों को लगा कि मैं जो है क्या हो गया बीजेपी का, क्या होता है वो भगवादारी हो गया, क्योंकि कम्युनिज्म छोड़ा, लेफ्ट छोड़ने का मतलब ये है कि आप इस तरफ आ गए। अरे यार बीच में अध्यात्म नाम की भी चीज होती है, आपका बिलीफ हुआ ना उस पर, मेरा तो बिलीफ है भाई, विवेकानंद नाम का बंदा भी था जिसने आपकी दृष्टि दी थी इनको, यहाँ यार यहाँ चलो बड़ा मजा आएगा, तो मैं जो है बड़ा मजा आता है मुझे, क्या मतलब है आपके कम्युनिज्म छोड़ा तो हम सीधे भगवादारी हो गए बीजेपी के हो गए, मैंने तो कभी नहीं कहा ऐसा। आपने आपने बहुत अच्छा शब्द किया, मुझे नहीं पता ऑडियंस ने किसने ध्यान दिया, बेसिकली जो अल्कोहलिज्म है बिल्कुल ठीक फरमाया आपने, ये धार्मिक अव्यवस्था, इसमें कोई शक नहीं, जो व्यक्ति तरीके और सलीके से सुबह शाम जिसमें विश्वास करेगा, चाहे हिंदू मुस्लिम से कोई भी हो, अगर उसमें विश्वास करेगा, अगर वो पिएगा भी तो बहुत तरीके और सलीके से पिएगा, हर चीजों को समझेगा, अगर पिएगा तो। अरे नहीं सर, बड़े खतरनाक होते पीने वाले, अगर वो पिएगा तो ध्यान है उस वक्त, वो जो बोल रहे बहुत सही बात है, आपने कह चुका, अगर आपका रिश्ता शराब से लेके किताब से लेके सिनेमा से लेके सबके साथ फिक्स हो तो आप ठीक हो जाएंगे। हाँ सर, पीयूष भाई बहुत ईमानदारी से आपने लिखा भी है और हम सुन रहे हैं, तो जो बात आपने कही कि मैं डर से ही संचालित होता था और सब कुछ डर से संचालित होकर करता रहता था, और आज आप इस यात्रा पे जिसे आपने धर्म भी बोला और आध्यात्म भी बोला बहुत ईमानदारी से, आज आप उस डर को कहां पाते हैं और उसके बावजूद इतना सब करते रहे, और ये ईमानदारी आपको खुद पे लौटाती रही, आपने कहा ये मेरी जिम्मेदारी है, किसी और का अवस्था
तो अपने सारे के सारे जितने पाप किए हैं, जितने गंदे काम किए हैं, सब लिख लो। ये बहुत दो टूक बोल रहा हूँ मैं, आप भी करते हो कभी अगर हिम्मत है, दो टूक लिखो। दो टूक लिख लो मतलब दो टूक कागज पर उल्टी करो, कागज पर उल्टी करो, इतना गंदा किया है उतना ही गंदा शब्दों में लिखो, ब्लैक एंड व्हाइट जाके लिख लो। पहली बार मालूम पड़ेगा तुम्हें, पहली बार मालूम पड़ेगा कि तुम ये करके आए, अगर वाकई ईमानदार हो तो। उसके बाद में जाके ये किसी सम्मानित आदमी के सामने व्यक्त कर दो, जो कि बहुत ही मुश्किल काम है। सारे पाप जो अंदर जो जो किया था, मतलब मैं बतला नहीं सकता, अगर बच्ची के सर बदन पे हाथ रखा है तो वो भी आप लिख लो और जाके ईमानदारी से जो है आपके किसी के सामने व्यक्त कर दो। ये करने में 6 महीने लगे मुझे, पहली बार तो लिखने में ऐसी तैसी हुई, मैं ये मेरे चोर दरवाजे थे यार, ये मैं कैसे किसी को व्यक्त करूंगा जी। ये हर बंदे के अंदर होते चोर दरवाजे, कोई बंदा व्यक्त नहीं करना चाहता अपने आप को साफ साफ तौर पर, किया मैंने करके उसको बतलाने में तो और भी दम निकल गई। उस वक्त जो बच्चे हैं ईमानदार होकर हुआ वाकई जहां पाप किए हैं जाकर पे योर एपोलॉजी, क्या बात, माफ कर दो, क्या बात, वो माफ करे ना करे तुम्हारा काम हो गया, माफी मांगो, तुम्हारे अंदर से बोझ निकल गया। ये थेरेपी थी सर पूरी पूरी, बतलाने में इतनी आसान लग रही है, करने में उतनी मुश्किल। ये करके जो मेरा दर्द जो है धीमे धीमे करके, बड़ा रोया करते दर के बवाल फूट गए, पीप फूट गई, बहुत रोया मैं करते हुए, वही चीज है। और उसके बाद में मैंने ये किया, मैं इतना तकलीफ में था करते हुए, करने के बाद में एकदम से हल्का हो गया, एकदम से हल्का हो गया। क्या बात, वो चला कर एक महीने चला दौड़ के, मैं क्या कर रहा है यार, ये अपने अपने खुद के इतने गंभीर किस्म के जो है अपराध दूसरे के सामने व्यक्त कराया, लेकिन करने के बाद बहुत ही हल्का महसूस हुआ। ये सब करने के बाद में शराब में जमीन आसमान का फर्क आ गया, मतलब एक दो पैग में आराम से आप लेके बैठते हैं, ड्रिंक लेके बैठते हैं, खत्म हो जाता आपको। तो ये जो है इससे डर गया थे, ये हुआ एक्चुअली। सर इस बात पे मैं स्टैंडिंग ओवेशन चाहूंगा हम सब आपको। पीयूष भाई एक डायलॉग हो जाए अगर पिंक का सुना सकते हैं जी, एक पिंक फिल्म का डायलॉग सुना दें। किसका? अरे डायलॉग याद नहीं है सर, डायलॉग याद नहीं है, कोई सुना दें नहीं, डायलॉग नहीं, डायलॉग याद अरे नहीं यार गोली मारो यार, खत्म करते हैं, खत्म करते हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। किताब जरूर पढ़िएगा, किताब जरूर पढ़िएगा, किताब जरूर पढ़िएगा। तो मैं बहुत स्ट्रॉन्गली यहाँ खड़ा होकर बोल रहा हूँ कि इतनी ज्यादा ईमानदार किताब और इतनी नंगी लेखनी मैंने बहुत समय के बाद पढ़ी है, और सुनो और भी बहुत ताकत देती है। उसके